नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी मैथ 360 डिग्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी कक्षा रहेगी राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। क्या रहेगी कक्षा? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। इस वीडियो में आपको मैं जो भी जानकारी उपलब्ध करूंगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना और हमारा जो चैनल है सारथी मैथ 360 डिग्री इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लास और टाइम पर जल्दी अवेलेबल कराता रहूं। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब राजस्थान के प्रतीक चिन्ह बहुत सारे हैं तो आज हम एक प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, वो है वृक्ष से संबंधित है, उसका नाम है खेजड़ी। क्या नाम है? खेजड़ी। और आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे खेजड़ी वृक्ष पर। तो चर्चा करते हैं खेजड़ी वृक्ष पर। तो सबसे पहले बात करते हैं खेजड़ी का वानस्पति नाम। खेजड़ी का वानस्पति, जहाँ जहाँ खेजड़ी पाई जाती विश्व में उसको किस नाम से, पर्टिकुलर किस नाम से जाना जाता है उसकी बात करते हैं। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आता रहता है वैज्ञानिक नाम को लेकर, या वानस्पतिक नाम कह सकते हैं। अब बात करते हैं खेजड़ी के उपनाम कौन से है। बात करते हैं उपनाम की, क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। खेजड़ी को क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान का गौरव। समी वृक्ष, समी वृक्ष खेजड़ी को किसमें कहते हैं? ग्रंथों में, अपने जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें क्या कहते हैं इसको? समी वृक्ष कहते हैं। जाटी सीमलो, क्या कहते हैं? जाटी और सीमलो। इसको खेजड़ी को किस भाषा में कहते हैं? राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा में खेजड़ी का क्या नाम है? एक तो जाटी है और दूसरा क्या है? सीमलो। राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर थार का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को कहते हैं। सिंधी में छोकड़ा, खेजड़ी को सिंधी में क्या कहते हैं? छोकड़ा। पंजाबी में, हरियाणवी में क्या कहते हैं? जाटी। क्या कहते हैं? जाटी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला नागौर है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला, जो खेजड़ी वृक्षों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? नागौर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला कौन सा हो गया? नागौर। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं पता आपको? चूरू, क्या आता है? चूरू। दूसरा जिला आता है, क्या आता है? सीकर। और तीसरा जिला क्या आता है? झुंझुनू, झुंझुनू। तो ये तीन जिले आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब बात करते हैं पत्तियां, खेजड़ी की जो पत्तियां होती है लीफ, इंग्लिश में कहते हैं लीफ, खेजड़ी की पत्तियां, उसको क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? लूम, या फिर उसको लूम भी कहते हैं। तो खेजड़ी का जो फल होता है वो कौन सा फल होता है? हरा फल, उसको क्या कहते हैं? सांगली। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है राजस्थान में, मारवाड़ में, मेवाड़ में जो खेजड़ी का जो फल होता है, हरा फल होता है, उसको क्या कहते हैं? सांगरी। उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। खेजड़ी के फूल, उसको क्या कहते हैं? निमजर। क्या कहते हैं? निमजर, या फिर उसको क्या कहते हैं? मिंजर भी कह देते हैं। अब खेजड़ी का जो हरा फल उसको सांगरी कहेंगे, तो खेजड़ी का सूखा फल, खेजड़ी का सूखा फल क्या कहलाता है? खोखा। क्या कहलाता है? खोखा। ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं ये जो सूखा फल, कौन सी ऋतु में लगते हैं? ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा, खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान कौन सा कीड़ा पहुंचा रहा है, उसका नाम क्या है? सेलेस्टर्ना। सेलेस्टर्ना, खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ा का क्या नाम है? सेलेस्टर्ना। एक कवक है वो भी खेजड़ी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है खेजड़ी वृक्ष को, उस कवक का नाम है गाइकोटर्मा। क्या नाम है? गाइकोटर्मा। अब खेजड़ी की पूजा, खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? दशहरे पर की जाती है। कब की जाती है? दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी का पूजन, खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? शीतला माता के प्रतीक के रूप में। खेजड़ी परमार वे तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। खेजड़ी दो वंश है, एक तो है परमार और दूसरा क्या है? तोमर वंश, उनका क्या है? आराध्य वृक्ष है। अब बात करते हैं आगे राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को, राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को कब मिला? वो मिला 31 अक्टूबर 1983 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ गया है और आगे भी आएगा।
तो राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य के लगभग 65% भाग पर खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। लगभग 65% भाग पर खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। डाक टिकट, देखो किसकी बात कर रहे हैं, डाक टिकट की। अपन पढ़ क्या रहे हैं, खेजड़ी के बारे में। तो खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 5 जून 1988 को। कब जारी हुआ? 5 जून 1988 को। देखो पता है डाक टिकट जारी हुआ है, तो डाक टिकट कितने पैसे का, कितने रुपए का जारी हुआ उसकी बात भी करते हैं। तो 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। कितने पैसे का? 60 पैसे का। अब तो नहीं चल रहे पैसे, पहले चलते थे। तो कौन से वृक्ष पर जारी हुआ? खेजड़ी पर, ठीक है। थार शोभा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की एक कांटे रहित किस्म है। देखो खेजड़ी के पेड़ के ऊपर कांटे होते हैं, तो ये कांटे रहित किस्म है। कौन विकसित कर रहा है इसको? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा। कांटे रहित क्या है, किस्म है, थार शोभा, उसको क्या कहेंगे, थार शोभा। अब अगली बात करते हैं, ऑपरेशन खेजड़ा। क्या है? ऑपरेशन खेजड़ा। ये एक अभियान चलाया गया, किस लिए चलाया गया, कब चलाया गया, इसकी बात करते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा ये क्या है, एक अभियान है। कब चलाया गया? 1991 में, खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु एक अभियान चलाया गया, उसे क्या कहेंगे, ऑपरेशन खेजड़ा। कब चलाया गया? 1991 में। बात करते हैं, अगली चर्चा करते हैं काकापुरी। काकापुरी नाम के जो व्यक्ति है इनको क्या कहते हैं, पेड़ वाले बाबा। कौन से बाबा? पेड़ वाले बाबा। ये कहाँ के हैं? भिवाड़ी अलवर के। कहाँ के हैं? भिवाड़ी अलवर के। इन्होंने क्या प्रयास किया, क्या अभियान चलाया इन्होंने, पेड़ों को बचाने में क्या है ये प्रयासरत है, पेड़ों का संवर्धन करने के लिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भिवाड़ी अलवर के ये बाबा है काकापुरी पेड़ वाले बाबा, ये प्रयासरत है, इसलिए इनको पेड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगली चर्चा करते हैं आगे। खेजड़ली मेला, कौन सा मेला बोलो, खेजड़ली मेला। खेजड़ली गांव कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर जिले में। यहाँ विश्व का एकमात्र कौन सा मेला लगता है, वृक्ष मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, वृक्ष मेला लगता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है, खेजड़ली में लगता है। तो खेजड़ली मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। जो खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। कौन से बहुगुणा द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। भारत का जो एक राज्य है उत्तराखंड, कौन सा राज्य है, उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध को लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया था। यार आप समझ रहे होंगे, जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उसकी प्रेरणा का स्रोत कौन सा रहा, खेजड़ी का वृक्ष रहा है। जो इसको देखकर चिपको आंदोलन हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व। भारत के कौन से राज्य में हुआ, उत्तराखंड में। किस बांध को लेकर हुआ, टिहरी बांध को लेकर। कब हुआ, 1973 में। अब एक गांव है उसका नाम है रामासनी। क्या नाम है, रामासनी गांव। 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में, ये रामासनी गांव कहाँ पड़ता है, राजस्थान के जोधपुर जिले में। गांव में दो बिश्नोई, कितने बिश्नोई थे बोलो, दो बिश्नोई महिलाओं, दो बिश्नोई कौन थी, महिलाएं थी। उनका नाम क्या है, एक का नाम तो है कर्मा, क्या नाम है, कर्मा, और दूसरी का नाम क्या है, गोरा, ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा गांव के चौक में बलिदान दिया था। यानी कि 1604 में रामासनी गांव में जो दो विस्मय महिलाएं थी उनका नाम था कर्मा वे गोरा, इन्होंने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा अपना बलिदान दिया था। पोलावास, एक गांव का नाम है पोलावास, ये कहां पड़ता है, मेड़ता सिटी नागौर जिले में पड़ता है। 1700 ईस्वी में वंचो जी ने, कौन थे यहाँ पे, वंचो जी ने पोलावास में वृक्ष रक्षार्थ अपनी गर्दन कटवा दी थी। तो रामासनी गांव में तो दो विस्मयी महिलाएं थी, एक का नाम था कर्मा और दूसरी का नाम था गोरा, इन्होंने पेड़ की रक्षार्थ बलिदान दिया था। और पोलावास गांव का पड़ता मेड़ता नागौर में। तो यहाँ पे 1700 ईस्वी में वंचो जी ने वृक्ष की रक्षार्थ अपनी गर्दन क्या कर ली थी, कटवा ली थी। अब बात करते हैं खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव जोधपुर जिले में पड़ता है, राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, जोधपुर जिले में। तो उस समय शासक कौन थे, अभय सिंह जी थे। कौन थे, अभय सिंह जी। तो क्या घटना होती है इस खेजड़ली गांव जोधपुर में, उसकी चर्चा करते हैं। घटना कब की है, बात करते हैं घटना हुई तो उसकी तिथि भी होगी, वो है 28 अगस्त 1730 ईस्वी। वो तिथि क्या है, 28 अगस्त 1730 ईस्वी, काफी इंपॉर्टेंट है।
और क्या था उस दिन तिथि? भाद्रपद शुक्ला दशमी। क्या थी? भाद्रपद शुक्ला दशमी। और जो ये घटना हुई इसका नेतृत्व करता कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। तो उनके नेतृत्व में खेजड़ी पेड़ों की रक्षार्थ जान दी थी। कितने लोगों ने बलिदान दिया था? 363 लोगों ने बलिदान दिया था। 363 लोगों ने बलिदान दिया था, उसमें महिला भी शामिल थी और जो बिश्नोई संप्रदाय के जो पुरुष थे वो भी शामिल थे, यानी कि महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। तो 363 लोगों ने बलिदान दिया था। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। उस समय शासक कौन थे? अभय सिंह जी थे। और जो ये बलिदान हुआ इसमें अमृता देवी बिश्नोई के पति थे, उनका क्या नाम था? रामोजी बिश्नोई। क्या नाम था? रामोजी बिश्नोई। तो इनके इन दोनों पति पत्नी की दो पुत्रियां भी थी। कितनी पुत्रियां थी? दो पुत्रियां थी, वो भी इस आंदोलन में मतलब इस घटना के तहत शहीद हो गई। तो आप ये समझ सकते हो कि जो खेजड़ली का जो बलिदान हुआ उसमें रामोजी बिश्नोई और उनकी पत्नी अमृता देवी बिश्नोई और उनकी दो पुत्रियां, यानी कि पूरे परिवार में चार आदमी थे, चारों आदमी शहीद हो गए। तो आप ये समझ सकते हो कि खेजड़ी की रक्षार्थ इस पूरे परिवार ने अपना बलिदान दिया था। घटना के समय मारवाड़ शासक कौन थे? आप समझ रहे हो, अभय सिंह जी थे। के हाकिम, इनके हाकिम कौन थे? गिरधर दास भंडारी थे। कौन थे? गिरधर दास भंडारी थे। तो ये घटना हुई थी, इसमें हाकिम ये थे, इनके इनके निर्देश में इनके तहत ये घटना हुई थी, इसका पूरा वर्णन ही है। अब आगे की बात करते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली में वृक्ष मेला भरता है। कब भरता है? तिथि याद रखनी है, क्वेश्चन आता है परीक्षा में, कई बार आ गया और आगे भी आएगा। भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली में कौन सा मेला लगता है? वृक्ष मेला लगता है, ठीक है। 12 सितंबर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रही, 12 सितंबर 1978 को पहली बार, कौन सी बार? पहली बार, यानी कि फर्स्ट बार खेजड़ली दिवस मनाया गया, यानी पहली बार ये मेला शुरू हुआ और प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, ठीक है। तो तारीख याद रखनी है आपको, ये याद रखना है 12 सितंबर 1978। अब देखो एक चीज़ है कि माटो क्या है, समझते हैं। बीकानेर कोई भी राज्य होता है उसका राज चिन्ह होता है, उसमें खेजड़ी वृक्ष को अंकित किया है। तो ये कौन सी रियासत में खेजड़ी वृक्ष को राज चिन्ह के रूप में अंकित किया है? बात करते हैं इसकी। माटो, बीकानेर के राज्य चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है। कौन सी रियासत में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है? तो बीकानेर के राज्य चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है। इसको जो दर्शाया गया है बीकानेर रियासत में, इसको क्या कहते हैं? माटो कहते हैं। क्या कहते हैं? माटो। अब अगली बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया है। जो भारत का जो कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेजड़ी को शुष्क फलों की श्रेणी में शामिल किया है। अब एक लोक संत थे जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के, आप जानते ही हो, तो उनके बारे में बात करते हैं। लोक संत जाम्बोजी ने वृक्ष रक्षार्थ वे वन्य जीव रक्षा का संदेश दिया, यानी कि जो लोक संत थे जाम्बोजी उन्होंने वृक्ष वे वन्य जीव रक्षा का क्या दिया? संदेश दिया। तो उनका एक कथन है वो काफी प्रचलित है, तो उस कथन की बात करते हैं। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, लीला रूख नी दावणो अनी धावे दो प्राण। यानी कि जब तक अपन जिंदा है तब तक अपन को पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, अपना शीश भी कट जाए मतलब तो भी, मतलब पेड़ों की रक्षा करें तो भी उसको क्या जानना चाहिए? अपन को सस्ता जानना चाहिए, यानी कि अपना बलिदान देकर भी अपन अगर पेड़ों की रक्षा कर रहा है तो वो भी क्या है? सस्ता है, यानी कि अपन को अपनी जान देकर भी पेड़ों की क्या करनी चाहिए? हमेशा रक्षा करनी चाहिए। ये संदेश दिया था लोक संत जाम्बोजी ने। अब बात करते हैं संत राजा राम जी की। किसकी बात करते हैं? संत राजा राम जी की। वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत है। वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत कौन है? संत राजा राम जी। कौन है? संत राजा राम जी। एक बात करते हैं खडाना। क्या है खडाना? इसको क्या कहते हैं? साका कहते हैं। बिश्नोई संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में? बिश्नोई संप्रदाय में पेड़ों की रक्षा प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा है, यानी कि पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दे देने की परंपरा को क्या कहते हैं? खडाना साका कहते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और पसंद आया हो तो हमारा जो ये चैनल है सारथी मेस 360 डिग्री, तो यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी आपको अच्छी से अच्छी क्लास समय पर उपलब्ध होती रहे। जय हिंद।